ECAT के हवाले से हम बात कर रहे थे जी इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री के ऊपर, और इसमें जो टॉपिक इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वो है जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, स्ट्रेट लाइन है। पोजिशन ऑफ पॉइंट, यानी हम देखेंगे कि एक जो लाइन है उससे जो पॉइंट है वो अबव, बिलो या ऑन द लाइन होता है, या अगर हम देखेंगे जी कि जो गिवन पॉइंट है और ओरिजिन है क्या वो लाइन के सेम साइड पे है या ऑपोजिट साइड पे है। फिर टू एंड थ्री स्ट्रेट लाइंस, ये हम देखेंगे ये कब आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट चीजें हैं जो हम देखेंगे, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट विद एमसीक्यूज, यानी हम देखेंगे कि ई कैट के अंदर इस तरह के टॉपिक से मुतल्लिक हमारे पास क्या एमसीक्यूज आते हैं और उनको हम कितना स्मार्टली और टाइम सेव करते हुए और एरर, जो गलती के चांसेस हैं उनको मिनिमाइज करते हुए किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट स्लोप एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन लाइन 4x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आर, यानी ये तमाम चीजें अगर आपने फाइंड आउट करनी हो। इसमें मैंने ऑप्शन अभी नहीं लिखे, ये के इसलिए कि हम इसको खुद फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी इसको मैं दो मेथड बताऊंगा आपको, एक मेथड जो है वो टाइम टेकिंग है और एक मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा। जैसे सबसे पहले मेथड की बात करो तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करनी है, यानी अगर मैं आपको बता दूं कि ये पूछा क्या जा रहा है, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय लाइन, ये मेरे पास क्या है, ये लाइन है। सबसे पहली बात स्लोप या एक्स इंटरसेप्ट, यानी वो पॉइंट जहां पे लाइन एक्स एक्सिस को टच करती है वहां से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। वो पॉइंट जहां पे ये लाइन वाई एक्सिस को टच करती है, दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। स्लोप आप जानते हैं कि चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब अगर आपने चार चीजें फाइंड आउट करनी हो तो हम कॉन्सेप्चुअली कर सकते हैं कि मतलब अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करनी है तो मैं इसमें वाई जीरो पुट कर दूंगा, यानी इस इक्वेशन में अगर वाई जीरो पुट करके सॉल्व कर लूं तो मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगी। अगर मुझे वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करनी है तो मैं एक्स को जीरो पुट कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो वाई इंटरसेप्ट आ जाएगी। अगर मैं इंटरेस्टेड हूं स्लोप फाइंड आउट करने में तो इस गिवन इक्वेशन को वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लेके जाऊंगा तो मेरे पास स्लोप ऑफ द गिवन लाइन आ जाएगी, यानी जो एम होगा एक्स के साथ जो कोफिशियंट होगा ये मुझे स्लोप बताएगा। और अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो मैं डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू ए लाइन, जो कि हम आगे टॉपिक्स में कवर करेंगे, पॉइंट टू ए लाइन यानी पॉइंट का है ओरिजिन और लाइन क्या है 4x प्लस 3y माइनस 7, वो फॉर्मूला अप्लाई करके मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। लेकिन अगेन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है सारे, मैं आपको शॉर्टकट्स बताता हूं जो कि आप अगर उनको याद रख लेंगे तो ये चीजें सॉल्व करना आपके लिए या इनको आंसर लेके आना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक्स इंटरसेप्ट से। याद रखें कि एक्स इंटरसेप्ट जो है हमेशा एक्स इंटरसेप्ट, मैं यहां पर लिख रहा हूं आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, एक्स इंटरसेप्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। जैसे मैंने बात की जो जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वेर ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 7, तो माइनस सी ओवर ए। अब सी इटसेल्फ नेगेटिव है तो ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 7 यानी सी ओवर ए विच इज 4, तो ये आ जाएगा प्लस 7 ओवर 4। तो देखें माइनस सी ओवर ए आपने याद रखना है। What is y intercept? Y intercept ये क्या है? Y intercept is always minus c over b, minus c over b, तो minus c divided by b, minus minus 7 और b कितना है which is 3, तो ये आ जाएगा plus 7 over 3। तो देखिए चीजें कितनी आसान है, कितनी आसान हो जाती है, कितना टाइम आप सेव कर सकते हैं। What is slope? Slope of the given line, slope किसके इक्वल होती है, हमेशा याद रखें स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, माइनस ए ओवर बी यानी नेगेटिव ऑफ ए इज ओवर बी, तो ए 4 है तो माइनस 4 और बी कितना है 3, तो माइनस 4 ओवर 3 इज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि एक अगेन टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यहां पे आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी विच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेंथ में आप सिर्फ प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लेंगे। आप सी कितना है, सी अगर आप देखें तो माइनस 7, वो एब्सोल्यूट की वजह से प्लस 7 हो जाएगा। ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 7/5। हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, वी आर लेंथ टॉकिंग अबाउट लेंथ, तो नेगेटिव नहीं लेंगे, तो 7/5 इज परपेंडिकुलर।
तो कितनी जल्दी, यानी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आप खुद से करें तो ये सारी चीजें भी शायद आपका एक पूरा मिनट ना लें, या 30 सेकंड के अंदर आप ये सारा कर लेंगे। तो अगर आप इसको याद रखते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी विद यू, आप उस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट अपने एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है जी, द पॉइंट -2, 4 लाइज डैश द लाइन 4x + 5y - 3 = 0। यानी जो गिवन पॉइंट है, या इस लाइन के ऊपर लाई करता है, या अबव करता है, या बिलो करता है, यानी ऑन द लाइन। जैसे अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, और अगर मैं इसको यू नो इस फॉर्म में ले आऊं 4x + 5y - 3 को, y = mx + c, जो कि पॉइंट स्लोप यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो ये बन जाएगा, y को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो ये बन जाएगा -4/5y और +3/4, आई थिंक आई एम राइट, सॉरी -4/5x है, ठीक है, -4/5x + 3/4। यानी अगर आप देखें तो -4x हो जाएगा, डिवाइड होगा तो -4/5, और ये जो -3 है उस तरफ जाके +3 होगा तो 3/4। अब व्हाट इज -4/5? सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं 4/5 करूं, 4/5, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.8। तो -0.8 जो कि मेरे पास यहां पे बनता है, सबसे पहले आप इंटरसेप्ट देख लें, 3/4 विच इज 0.75 जो कि यहां पे बनती है। x में 1 यूनिट चेंज लेके आओ तो y में 0.8 यूनिट चेंज आता है, तो कुछ ये मेरे पास लाइन बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है, इसकी ये लाइन है, दिस इज द लाइन। मैंने इसलिए यहां पे फर्स्ट गो में ही प्रॉपर बना दी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी, जिसका मैंने बाद में भी करना था, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। ये लाइन है और पॉइंट क्या है, -2, 4। अगर आप देखें तो 1, -1, -2 और 1, 2, 3 एंड 4। तो आप देखें इस पॉइंट को मैंने आपको पहले ही बता दिया, दिस लाइन लाइज, दिस पॉइंट लाइज अबव द लाइन, ठीक है, जो कि मुझे अपेरेंटली लग रहा है ये जो पॉइंट है ये अबव द लाइन लाई कर रहा है। अब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी जिसमें मेरा आप देखें तो अच्छा भला टाइम वेस्ट हुआ। व्हाट इज अ शॉर्टकट, शॉर्टकट की क्या है इसकी, वो ये है कि सबसे पहले हम इस पॉइंट के, इस पॉइंट यानी जो गिवन पॉइंट है, इसको सॉल्व करेंगे फॉर द गिवन लाइन, यानी इवेलुएट करेंगे, दिस इज माई एक्स एब्सिस, दिस इज माई ऑर्डिनेट। अब अगर मैं इसको पुट करता हूं तो 4 × -2, सॉरी यहां पे हम थोड़ा सा इसको मैं ड्रैग डाउन करूंगा, 4 × -2 - 2 + 5 × 4, और ये बनता है -8 + 20 - 3। तो 20 - 3 = 17, 17 - 8 कितना आ गया, 9, ठीक है, 17 - 8 = 9, इसका मतलब है 9 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी इवेलुएट करने पे जो आंसर आया 9 वो क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो अबव द लाइन, ठीक है, लेस देन 0 हो जाए तो बिलो द लाइन, और अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो ऑन द लाइन। और ऑन द लाइन टेस्ट करने के लिए हमने वैल्यू यानी इसको इंसर्ट किया तो इसको इज इक्वल टू 0 आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया, इसका मतलब है ये क्या है, अबव द लाइन। ये दूसरा मेथड है, पहला मेथड मैंने आपको बता दिया ग्राफिंग मेथड, जो कि टाइम टेकिंग है, ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट भूल जाए तो आप ग्राफिंग मेथड की तरफ जा सकते हैं, यानी इंस्टेड ऑफ डूइंग रॉन्ग, यानी आप थोड़ा सा टाइम लेकर इसको राइट भी कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर दिस मेथड। तीसरा क्या है कि आपने देखना है, जब आपने इसको एक्स और वाई पे इवेलुएट किया गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को, तो जो आंसर का साइन है, यानी 9 का जो साइन है जो कि पॉजिटिव है, इसको आपने कंपेयर करना है साइन विद यानी साइन ऑफ बी के साथ, जो कि क्या है, +5। ये साइन क्या है, पॉजिटिव। अगर ये दोनों साइन सेम हो तो अबव द लाइन, दोनों साइन ऑपोजिट हो तो बिलो द लाइन, ठीक है, दिस इज हाउ वी डिटरमिन। लेकिन इस मेथड से हमें ये नहीं पता चलता कि ऑन द लाइन है या नहीं है। तो बेसिकली मैंने आपको 3 मेथड बताए, सबसे पहले ग्राफिंग मेथड है, सेकंड मेथड है जिसमें आप इस गिवन पॉइंट को इस फंक्शन इस इक्वेशन ऑफ लाइन में डाल के इवेलुएट करते हैं, अगर उसका आंसर ग्रेटर देन 0 हो तो अबव द लाइन, इक्वल टू 0 ऑन द लाइन, और लेस देन 0 बिलो द लाइन। सेकेंड थर्ड मेथड क्या है कि आप आंसर के साइन को कंपेयर करेंगे साइन ऑफ बी के साथ, यानी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को लिखेंगे और उसका बी जो है उसका साइन देखेंगे, सेम साइन होगा तो अबव द लाइन, और अगर ऑपोजिट साइन होगा तो बिलो द लाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द ओरिजिन एंड द पॉइंट 5 - 8 लाई ऑन द डैश ऑफ द लाइन 3x + 7y + 15 = 0।
सेम साइड यानी सेम साइड, यहाँ पे साइड बी होना चाहिए था, मैंने मिस किया, सेम साइड यानी सेम साइड या अपोजिट साइड या बोथ ए एंड बी, सेम भी है अपोजिट भी है या ना, इसमें से कुछ भी नहीं है। सवाल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सवाल कुछ यूं है कि जो गिवन हमारे पास, अगर मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ, दिस इज माई वाई एक्सेस, दिस इज माई एक्स एक्सेस। देखिए जो ग्राफिंग मेथड है वो एक सिंपल मेथड है, टाइम टेकिंग जरूर है लेकिन एक सिंपल मेथड है जो कि हमें आंसर दे देता है, ठीक है। अगर मैं इसको ग्राफ करता हूं तो सबसे पहले मुझे इसकी इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाना है, जो कि बन जाएगा वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू, मैं कलर चेंज कर लूं यहां से, ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय सेवन और माइनस फिफ्टीन बाय सेवन, फिफ्टीन बाय सेवन माइनस थ्री बाय सेवन एक्स है ये, ठीक है। यानी ये इसके साथ एक्स भी आएगा, माइनस थ्री बाय सेवन एक्स और माइनस फिफ्टीन बाय सेवन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यही है, माइनस थ्री बाय सेवन और माइनस फिफ्टीन बाय सेवन, माइनस फिफ्टीन बाय सेवन जो कि माइनस टू पॉइंट समथिंग होगा, मीन के ये वन है तो ये टू है, माइनस टू पॉइंट समथिंग ये इसकी इंटरसेप्ट है। और स्लोप क्या है, माइनस थ्री बाय सेवन, जो कि ऑन कैलकुलेटर अगर करें तो थ्री डिवाइड बाय सेवन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर फाइव, हम 0.5 सपोज कर लेते हैं जो कि माइनस 0.5 है। एक्स में वन यूनिट चेंज ब्रिंग्स माइनस 0.5 यानी इतनी, इसका मतलब दिस इज द लाइन, ये मेरे पास क्या है, लाइन है। चले जी मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ये मेरे पास है गिवन लाइन की इक्वेशन। अब मुझे ये बताना है कि जो पॉइंट, जो कि पॉइंट क्या है, फाइव एंड माइनस एट, तो आप फाइंड आउट कर लें फाइव और माइनस एट, वन टू थ्री फोर एंड फाइव और माइनस एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। तो अगर आप इसको एक्सटेंड कर लें इस लाइन को, तो यू विल गेट एन आइडिया कि ओरिजिन तो लाइन के इस तरफ है और जो पॉइंट है लाइन के बिलो है, यानी ओरिजिन लाइन के अबव है और जो ये है वो लाइन के बिलो है। तो इसका मतलब है हम कहेंगे ऑपोजिट, यानी ऑपोजिट है, तो आई विल गो फॉर द मार्क ऑपोजिट। लेकिन व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे, यानी स्मार्टेस्ट वे क्या है, वो क्या है जी, हम इस गिवन पॉइंट को इंसर्ट करेंगे गिवन लाइन के अंदर, जो कि क्या है, थ्री इंटू फाइव प्लस सेवन इंटू माइनस एट प्लस फिफ्टीन, और हम देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर है, यानी फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन थर्टी, थर्टी माइनस फोर्टी फिफ्टी सिक्स, तो ये बनता है माइनस ट्वेंटी सिक्स, माइनस ट्वेंटी सिक्स मीन के नेगेटिव आंसर अगर नेगेटिव हो, और सी की वैल्यू व्हाट इज सी, सी इज प्लस 15, सी अगर पॉजिटिव हो, यानी अगर आंसर का साइन और सी का साइन ऑपोजिट हो तो जो ओरिजिन है और पॉइंट है वो भी ऑपोजिट होंगे, अगर आंसर और सी का साइन सेम हो तो जो पॉइंट जो ओरिजिन और पॉइंट होगा वो भी ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन होगा, ठीक है। यानी अगर ये पॉइंट लेट सपोज कहीं यहां कहीं पे होता तो देखें ये ओरिजिन और ये पॉइंट दोनों लाइन के अबव है, ठीक है, दोनों लाइन के राइट साइड पे हैं या अबव हैं, अगर ये इस तरफ होते ये पॉइंट इस तरफ था तो ये पॉइंट इस तरफ और ये, यानी ऑपोजिट, जैसा कि गिवन पॉइंट था वो पॉइंट यहां पे था, ओरिजिन इस तरफ है, तो हमने बात की ऑन दी ऑपोजिट। तो दो मेथड है, एक ग्राफिक मेथड है एंड सेकंड मेथड इज कि आप गिवन पॉइंट को इवेलुएट करें उस इक्वेशन के अंदर, इफ आंसर गेट्स द साइन, सम साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, जो भी साइन होगा उसको आप कंपेयर करेंगे साइन ऑफ द सी, अगर सेम साइन है तो सेम साइड पे है, ऑपोजिट साइन है तो ऑपोजिट साइड पे होगा। क्वेश्चन है जी, डिटरमिन लाइंस 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0, यानी स्ट्रेट लाइंस है, 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल 0, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, आइडेंटिकल है, इंटरसेक्टिंग है। एक तो मेथड ये है, यानी दो तीन मेथड है इसमें भी, अगेन आप इन लाइंस को प्लॉट कर लें तो गेट एन आइडिया, ठीक है, इन लाइंस को प्लॉट कर लें, यानी प्लॉट करने के लिए आप इनको y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में ले जाएं, ठीक है, और इसको भी ले जाएं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इनको इस फॉर्म में लेके आता हूं तो आप देख सकते हैं जी, ये मेरे पास बन जाएगी, ये मेरे पास बन जाएगी y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस फाइव, इन्हें दोनों इस तरफ आ जाएंगे, और डिवाइडेड बाय थ्री ये भी, और डिवाइडेड बाय थ्री ये भी। तो अगर मैं अपने एक्सिस को ड्रॉ करूं, ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो माइनस टू बाई थ्री का मतलब है, अगर आप देखें तो यानी अगर आप इसको देखें तो आप देख सकते हैं टू डिवाइडेड बाई थ्री विच इज नेगेटिव,
माइनस 0.6, माइनस 0.6, और इंटरसेप्ट कितनी है माइनस 5/3, ठीक है। इसको भी देख लें, 5/3, 5/3 जो कि है 1.6, तो माइनस 1.6 तकरीबन, अगर ये 1 है और ये 2 है तो दिस इज माइनस 1.6, और यहाँ से अगर आप 1 यूनिट चेंज लेके आते हैं x में तो y में चेंज आएगी माइनस 0.6 जो कि ये है। तो ये लाइन बनती है ये वाली, दिस इज लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन इन इक्वेशन ऑफ द लाइन। दूसरी की आप दूसरी को भी कन्वर्ट कर लें, यानी ये तब है जब आपको ये कॉन्सेप्ट भूल जाए, तो आप ग्राफिकली कर सकते हैं। y इज इक्वल टू ये आ गया माइनस 3/5, और यानी माइनस थ्री बाय टू एक्स, माइनस 3/2x, और यहाँ पे आ गया उसके बाद है माइनस 10/2, विच इज इक्वल टू माइनस फाइव। चलें जी, अब अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है वो क्या आएगा, माइनस 3/2 का मतलब है माइनस 5 को देख लें, 3, 4, 5 तकरीबन यहाँ पे, और x में 1 यूनिट चेंज लेके आते हैं तो y में 1.5 तकरीबन समथिंग यहाँ पे चेंज आती है, ठीक है। और ये जो अगर आप इसको ग्राफ करेंगे, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से ग्राफ होगी, यानी कुछ इस तरह से ग्राफ होती जा रही है। ये मैं बहुत इसको नीचे ले आया हूँ, हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, ये प्रॉब्लम है, यानी कुछ इस तरह से लग रहा है। तो ये मुझे देखने में इंटरसेक्टिंग लाइन नजर आ रही है, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। अब इसका शॉर्टेस्ट वे क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वे, शॉर्टेस्ट वे क्या है कि अगर इफ दे आर पैरेलल तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज A1, दिस इज B1 और दिस इज C1, एंड दिस इज A2, दिस इज B2 और दिस इज C2, यानी जो इनके साथ कॉन्स्टेंट एंड कोफिशिएंट्स हैं उनकी बात की जा रही है। तो अगर पैरेलल है तो फिर A1 ओवर A2 जो है वो इक्वल होना चाहिए B1 ओवर B2 के, ये रेशो आपने याद रखनी है फॉर पैरेलल, जो कि आप इस केस में चेक करें तो दे आर नॉट, क्योंकि आप देख सकते हैं कि A1 ओवर A2 बनता है 2/3 और B1 ओवर B2 बनता है 3/2, तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2, तो दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है। सो दे आर नॉट पैरेलल, परपेंडिकुलर होंगी, तो परपेंडिकुलर के लिए A1 टाइम्स A2, यानी A1 टाइम्स A2, और इसमें अगर आप करेंगे प्लस B1 टाइम्स B2, ये इक्वल टू होना चाहिए 0 के। तो अगर आप A1 A2 करें, 3 × 2 = 6 और प्लस 3 × 2 = 6, तो 6 + 6 = 12 होता है, नॉट इक्वल टू 0। सो ये परपेंडिकुलरिटी के लिए परपेंडिकुलर, बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, दे आर नॉट परपेंडिकुलर। अच्छा, थर्ड है इफ दे आर आइडेंटिकल, मतलब सेम लाइंस हैं, इम्पोज करिए, सुपर इम्पोज हैं, तो फिर उस केस में हमारे पास जो रेशो है, यानी A1 ओवर A2 ये इक्वल होनी चाहिए B1 ओवर B2 के, यहां तक तो पैरेलल है। अगर ये C1 ओवर C2 हो जाए तो ये ओवर, यानी ऐसे होगा कि लाइन जो है वो जो कोइंसिडेंस है, यानी एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, या सेम लाइन की हम बात करें, एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, तो ये भी चीज यहां पे नहीं है। लास्ट पे है इंटरसेक्टिंग, इफ A1 टाइम्स B2 माइनस A2 टाइम्स B1 इज नॉट इक्वल टू 0, दे आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि A1 टाइम्स A2, व्हाट इज A1 टाइम्स A2, ये बन जाएगा, या A1 टाइम्स B2, ये बन जाएगा 2 × 2 = 4, यानी इस तरह से 2 × 2 = 4 और माइनस A2 B1, ठीक है, 3 × 2 = 9, तो 4 − 9 विच इज इक्वल टू -5 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। मैंने ग्राफिकली भी आपको बता दिया था कि लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग है, तो ये सिंपलेस्ट मेथड है, यानी अगर आप इसको क्रैम कर लेंगे तो आप समझें कि आपके बहुत ज्यादा टाइम आप सेव कर सकते हैं, जो कि देखने में क्वेश्चंस मुश्किल लग रहे होंगे, टाइम टेकिंग होंगे, लेकिन आप उनको बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। ये जो केस था, दिस वॉज फॉर आइडेंटिकल लाइन्स या कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है, और ये जो है वो जो है फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, दिस इज द कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। लेकिन मेक श्योर कि लाइन जो है वो जनरल फॉर्म में होनी चाहिए, व्हेन यू आर प्लॉटिंग, व्हेन जब आप उनको असाइन करते हैं, दिस इज A1 A2 B1 B2 एंड यू नो इस तरह की चीजें। तो ये था जी हमारे पास जो MCQs आते हैं ECAT के अंदर, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से मुतल्लिक, पोजिशन ऑफ पॉइंट से मुतल्लिक, 2 एंड 3 स्ट्रेट लाइन से मुतल्लिक, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया।